हेलो बच्चों, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज। मैं हूं राशिद बसरी और इस वीडियो में क्लास 10 से जुड़ी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूं। मैं आपको क्लास 10 के लिए CBSE द्वारा फाइनल किए गए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया और रिजल्ट की पक्की न्यूज दूंगा और हर एक पॉइंट को पूरी तरह क्लियर करके आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। CBSE ने क्लास 10 के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का फॉर्मूला जारी कर दिया है। अब इसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेस पर क्लास 10 के हर स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाएंगे और फिर उनका रिजल्ट आएगा। CBSE ने जो फॉर्मूला जारी किया है उसमें इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स में कोई चेंज नहीं किया गया है। क्लास 10 के स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स ही मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे या जो अलॉट किए गए थे। बाकी बच्चे 80 मार्क्स कैसे मिलेंगे मैं उसकी भी डिटेल दूंगा, लेकिन उससे क्लास 10 रिजल्ट से जुड़ा सारा डिटेल आपको पहले दे देता हूँ। 5 मई 2021 तक हर CBSE स्कूल में रिजल्ट कमेटी बनेगी। 5 मई 2021 तक ही CBSE स्कूल को अपने हर क्लास 10 स्टूडेंट को सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देने होंगे, यानी हर स्टूडेंट की मार्क्स की लिस्ट बनानी होगी। ये दोनों काम हर CBSE स्कूल को 5 मई तक पूरे कर लेने होंगे। 10 मई 2021 तक स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट और दिए गए मार्क्स को हर स्कूल को जांच पड़ताल करके फाइनलाइज करना होगा। अगर किसी और तरह का असेसमेंट बचा होगा तो उसे 15 मई 2021 तक हर CBSE स्कूल को पूरा कर लेना होगा। उसके बाद 25 मई 2021 तक हर स्कूल को अपने क्लास 10 स्टूडेंट्स का रिजल्ट फाइनल कर लेना होगा। मान लीजिए मार्क्स देने, नाम लिखने या रोल नंबर लिखने में कोई मिस्टेक हो गई तो 28 मई 2021 तक सारे स्कूलों को इसको चेक करके या सुधार करके रेडी कर लेना है। यानी रिजल्ट का काम स्कूल ही स्टार्ट करेंगे और इस काम को 28 मई तक उनको पूरा कर लेना होगा। 5 जून 2021 तक स्कूल अपने सारे एग्जामिनी क्लास 10 स्टूडेंट्स के डिटेल्स और मार्क्स CBSE को भेज देंगे। 11 जून 2021 तक इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स सबमिट किए जाएंगे। उसके बाद CBSE रिजल्ट फाइनलाइज करने की प्रोसेस स्टार्ट करेगा। इसके लिए CBSE को लगभग 9 दिन लगेंगे। ये सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद CBSE 20 जून 2021 यानी संडे के दिन 12 बजे के बाद किसी भी टाइम क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने के कारण 80 मार्क्स के असेसमेंट का काम भी आपके स्कूल ही करेंगे। पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट से 10 मार्क्स मिलेंगे। हाफ ईयरली एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम या सेकंड टर्मिनल एग्जाम से 30 मार्क्स मिलेंगे। प्री बोर्ड एग्जाम से 40 मार्क्स मिलेंगे और इंटरनल असेसमेंट से पहले की तरह ही मैक्सिमम 20 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह टोटल वेटेज 100 मार्क्स की होगी। किसी स्कूल ने एक टेस्ट या एग्जाम लिया होगा किसी भी कैटेगरी में तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए स्कूल ने 2 या 3 प्री बोर्ड एग्जाम लिया या 2-3 यूनिट टेस्ट लिए तो उस कैटेगरी के मार्क्स बराबर बराबर उन दोनों तीनों एग्जाम में बांटने पड़ेंगे और तब रिजल्ट कमेटी उसी हिसाब से मार्क्स देगी। इसके लिए स्कूल की रिजल्ट कमेटी दो काम कर सकती है, या तो वो दोनों या तीनों प्री बोर्ड एग्जाम में से स्टूडेंट का बेस्ट एग्जाम सेलेक्ट करके मार्क्स दे दे और बाकी बचे प्री बोर्ड एग्जाम को इग्नोर कर दे, या फिर दोनों या तीनों प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स का एवरेज निकाल कर स्टूडेंट को मार्क्स दे दे। क्लास 10 बोर्ड रिजल्ट 2021 में सारा जोर इस बात पर दिया गया है कि स्कूल में स्टूडेंट का यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट और प्री बोर्ड में कैसा परफॉर्मेंस था, और उसी को ध्यान में रखकर CBSE स्कूल अपने स्टूडेंट को मार्क्स देंगे। इस पूरे प्रोसेस का डिटेल CBSE ने कल जारी किया जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसे CBSE की साइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बच्चों, 20 जून 2021 को आपका रिजल्ट आ रहा है, संडे का दिन होगा, तब तक आप लोग वेट कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं पूरे डिटेल के साथ बतलाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।